हैव अ फ्रेश मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज जो है वो एकदम फ्रेश मॉर्निंग है बिकॉज मौसम इतना अच्छा है। मैं जस्ट अभी अभी नहा के आई हूँ और आज है वीकेंड तो ऑफिस है आज ऑफ, तो फिर हम सोच रहे हैं कि हम कहीं आज घूमने चले जाएं किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे हम पहले ना गए हों। तो लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं घूमने और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग बिकॉज आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा कुछ नया देखने में और हमें भी काफ़ी मज़ा आएगा वहाँ पर घूमने में। तो लेट्स सी, तो चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर मैं हो जाती हूँ रेडी। सो आई एम ऑन द वे टू माई डेस्टिनेशन। So finally we reached here Chokidhani. This is the place we are planning for. This is the outer view of Chokidhani from where we have to enter, and these are the musicians sitting here. One is playing tabla, dholak and guitar and so on. So friends, hum aa gaye hain ab Chokidhani. We have reached here aur it takes around 30 minutes to reach. To abhi hum dekhte hain. गेट और यहाँ पे बहुत ही एकदम राजस्थानी ट्रेडिशन की फीलिंग आ रही है। द व्यू, द डेकोर इज ऑलमोस्ट सेम, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी ब्यूटीफुल। Now I'm going inside and as you can see they are giving us a warm welcome with this sweet gesture. So this is the counter area where you can purchase your entry tickets and can get the details of packages as well. So friends, hum yahan pe line mein lage hue hain aur yahan pe kafi rush hai, queue laga hua hai bilkul line ke liye. So we are here for the tickets. Ticket lenge fir hum enter karenge aur fir aapko dikhate hain. It will be very interesting. Ye mera pehla visit hai yahan par, to dekhte hain kaisa hota hai. अभी तक तो हमें अच्छा लग रहा है, बंदे जाके देखते हैं कैसा है। So this is the waiting area where you can have rest and relax, and guys you can also see the traditional design and decor which is so beautiful and giving the Rajasthani vibes. See this typical traditional Rajasthani village kitchen with this amazing and beautiful art. This is the amazing view, amazing, और ये देखो इनकी हाइट है और ये कैसे चल रहे हैं। ये इतना अमेजिंग है और लिटरली इट इज़ वर्थ कमिंग हेयर। सब कुछ ट्रेडिशनल वे में, राजस्थानी ट्रेडिशनल वे, तो इट इज़ अमेजिंग। And this is the stall where we can have the normal Angel Jeera water which is really so tasty. Thank you.
सो होप यू आर ऑल्सो इन्जॉइंग विद मी. मुझे यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा होप सो, और देखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. सो इट विल बी वेरी अमेजिंग फॉर यू ऑल. ये एरिया जहाँ पे ये बना हुआ है, ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमने इतना ज़्यादा घूम रहे हैं हम यहाँ पे. ये वॉकिंग यहाँ पे ये है कि चलते चलते यहाँ पे जो वॉक जो है हमारी हो जाती है. तो अभी तो बहुत कुछ है एक्सप्लोर के लिए एंड इट विल बी वेरी वेरी फन फॉर द. सो लेट्स सी आगे क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें और मिलती हैं, देखते हैं. आई थिंक मुझे नहीं पता इसमें क्या है, पर जैसा ये लग रहा है तो आई थिंक इसमें ना सांप है. और ये पता नहीं इसके साथ क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे, तो देखते हैं जाके, वो तो जाके पता चलेगा. इधर तो नहीं आ जाएगा, हमारे यहाँ तो नहीं आ जाएगा. ये यहाँ पर कढ़ी और पकौड़ी मिलती है, इसमें ये इन्होंने पहले से रखी हुई है पकौड़ी और फिर इसमें डालते हैं कढ़ी. हमने लिए है जो यहाँ पे मिलती थी ये कढ़ी और पकौड़ी और हमने खाई है, इतनी टेस्टी है ये सच में. जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है ना पूजा, तेरे को कैसी लगी? बढ़िया. पूजा ने बल्कि हालांकि सेकंड टाइम लिया ये, इसको इतनी अच्छी लगी कि इसने फर्स्ट फिनिश करके फिर सेकंड टाइम भी लिया और चाय भी बहुत टेस्टी है.
ये देखो, ये बाहर से इन्होंने जो ये डराने के लिए सबको बनाए हुए हैं डोर पे, तो बाहर से तो ये बहुत डरावना लग रहा है, अंदर जाके देखते हैं क्या है। तो चलो चलते हैं फिर अंदर, ये हमें खा जाएगा, अब हम इसके पेट में जा रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं भूल भुलैया, और रास्ता भी देखो कैसा टेढ़ा मेढ़ा है, तो जाके देखते हैं, होप सो डरावना ना हो। देख के आना पूजा, इधर वो है पानी है। इसमें रास्ते का नहीं पता चल रहा है। ये है कुछ, ये ऊपर कहाँ जा रहे हैं? ये तो रास्ता उधर बंद है, इधर से देख। ये रास्ता मिला आपको आगे से? यार नहीं है, ये आगे नहीं है कुछ भी यार, इधर से आप क्या, ये बंद है वो यार इधर। अच्छा ठीक है यार, ये तो सच में भूल भुलैया है, हमें तो रास्ता ही नहीं पता। इधर 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 ओ यार, ये कहाँ आ गए? लिटरली यार, लिटरली पूजा सच में यहाँ तो हम गुम हो जाएंगे। देखते हैं ना, चल तो जाके चल, ये तो हम घूम के वहीं आगे था जहाँ पे हमने इधर मुड़े थे हम। ओह फाइनली, नहीं ये वो है अंदर जाने का रास्ता, फाइनली हमें मिल गया है। ओ आगे आते, यहाँ से बाहर जाते, ये भी आने के बाहर जाना है। अरे यहाँ आने दे, इधर फ्लैश ऑन कर, करना अपने फोन की। यहाँ पे ये देखिए आया, अरे इधर वो, ये क्या है, ये कहां से निकला था, सब बनाया हुआ है ना अंदर, ये टाइगर वाला उधर से, मैं इधर से, इधर से बाहर है, इधर से कहां को जाने है, इधर से मेरा, मैं अलग होना था, मैं इनके साथ क्यों आ गए हैं, तो मुझे नहीं आया भूल गया। यहां पे हमें टॉर्च लेके चलनी पड़ रही है, हमें इतना अंधेरा है, फाइनली हमें मिल गया है, मुझे नहीं आया, फाइनली हम बाहर आए, हमें डोर मिल गया है। अच्छा यो, हम इसके मुंह से आए बाहर। नाउ आई एम गोइंग टू हैव डिनर। So this is the place in which we'll have our dinner. This is the separate portion for the bhoj, and here we have to take off our slippers out before entering in it. So yet we are moving further. And then we have to submit our ticket for the dinner. So yeah, let's have dinner now. And now you can see guys, they are serving us the food, they are having different types of vegetables, aur ab to kha ke hi pata chalega how it is, so yeah let's try it।
कड़ी कड़ी दाल, ये है कड़ी, ये गट्टे की सब्जी और ये बाटी है आई थिंक। देन दिस इज आई डोंट नो ये प्याज, दिस इज चटनी और ये है चूरमा। तो चलो खाना भी खा लेते हैं, बहुत भूख लगी थी। तो मुझे तेरे को भी लग रही थी भूख, खाते हैं तब घूम के ना, बहुत बड़ा है ना तो सब डाइजेस्ट हो गया है। तो चलो करते हैं डिनर, डाल दो घी। जो फूड है वो अच्छा है यहाँ पे खाने का, मतलब सही है, थोड़ा अलग टेस्ट है ना। मतलब तेरे को कैसा लगा खाना? खिचड़ी मैम जी, मुझे यहाँ दे दो, रुक जाओ बस थोड़ी देर। खिचड़ी हाँ जी, दो दो तीन, नहीं नहीं दो तीन आ गया, देखो इधर चम्मच, नहीं 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 तीन मैम जी, दो दो, तीन, नहीं नहीं तीन, नहीं नहीं तीन, दो दो तीन, खाए नहीं जाएंगे, खाए नहीं जाएंगे, तीन बेस्ट। हम गेट बंद करवा देंगे जब तक आप खा के नहीं जाओगे, जब तक खुलेगा ही नहीं। अंग्रेजी रुमाल मैम जी, अंग्रेजी रुमाल एक और ले लो जी। खाना हो गया हमारा डन, कैसा लगा जी खाना? दिस इज अ नाइट व्यू। अब नाइट हो गई है तो लाइटनिंग जो है वहाँ यहाँ पे बहुत प्यारी लग रही है, सॉफ्ट लाइटनिंग है। और ये लाइटिंग में और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो है यहाँ पे बाजरे की रोटी, देखो यहाँ पे लिखा है ये मिल रही है। ये अलग से एक बूथ है जहाँ पे ये देसी देसी ट्रेडिशन में खाना जो है वो बना रहे हैं चूल्हे पे। ये देखो, ये आप देख सकते हो प्रॉपर चूल्हे पे कुकिंग, और इस तरीके से यहाँ पे ये लोग भी बैठे हैं खाने वाले। और मैंने तो अभी खा के जस्ट मैं इतनी फुल हो गई हूँ, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस बाजरे की रोटी। दिस इज वेरी अमेजिंग। आप लोग भी इसको जो है वो वंस इन अ टाइम ज़रूर ट्राई करना। और ये यहाँ पर चेस बोर्ड रखा है, तो जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं और जो भी चेस खेलने के शौकीन हैं, द वन हु इज लाइक द मोस्ट कैन हैव दिस गेम हियर। मुझे तो इसकी अभी कोई भी नॉलेज नहीं है एक्सेप्ट द वेरी फ्यू थिंग्स। और यहाँ पे ये लूडो लूडो भी है, ये सांप सीढ़ी बनी हुई है यहाँ पर। यू कैन प्ले द चेस एज वेल। These are the game here, gun shooting. You can see यहाँ पे ये stalls लगे हुए हैं where you can play the game. और means यहाँ पे आपको जो है वो full package मिलेगा with the gaming, with all the amusement you can see here. ये यहाँ पे Ludo बनी हुई है, blue, red, येलो, एंड दिस इज वन मोर थिंग। यहाँ पे ऐसे स्टैचूज बने हुए हैं। शी इज प्लेइंग, द लिटिल वन इज प्लेइंग हियर, सो क्यूट।
आई थिंक ये इसमें क्या होता है? हाँ जी अच्छा अच्छा तो इसमें हम अच्छा तो हमें इसमें क्या दिखता है? फोटो वगैरह। अच्छा इसमें फोटोज वगैरह दिखती हैं। कैसी फोटोज? अच्छा पुरानी जो होता था। अच्छा अच्छा ये आप देख सकते हैं ये जो बहुत पहले चलता होगा मेरे मुझे तो पता भी नहीं है इसका। तो ये वो है, इंटरेस्टिंग है काफी। तो आई एम एंजॉयिंग योर वेरी मच। और यहाँ पर जो है टाइम का पता ही नहीं लगता है। इट्स अबाउट 3 आवर्स हमें यहाँ पर हो गए हैं और 3 आवर्स भी है जो मेरे को लगता नहीं है कि हमने अभी कुछ ना कुछ तो अभी रह ही गया होगा देखने के लिए। तो इफ़ यू आर गाइज थिंकिंग टू कम हियर इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू विजिट, आप आ सकते हो। और अभी चलो देखते हैं अभी क्या कुछ रहता है, अभी मुझे भी नहीं पता है कितना भी बाकी है। तो लेट्स सी। हियर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फैन, यहाँ पे भी फैन लगा हुआ है। यहाँ पे सामने जो है वो ऐसे ही ट्री है। देखो यहाँ पे चंपी भी हो रही है जिसने हेड मसाज लेनी है तो दे कैन डू द हेड मसाज। और यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो। ये पपेट शो भी हो रहा है यहाँ पर, तो चलो देखते हैं।
व्लॉग। और आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। होप यू लाइक इट ऑल, और ऐसे ही मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए व्लॉग्स लाती रहूं। सो बाय गाइस, टेक केयर।